हेलो गाइस, आई एम बैक इन पैल वर्ल्ड। यार देख रहे हो तुम लोग पूरा कैसा तहस महस और खाली खाली दिख रहा है। इससे तुम समझ ही गए होगे भाई, हम लोगों ने अपना बेस शिफ्ट कर दिया। यस, एक नई जगह पर साकुराजीमा आइलैंड में अपन ने अपना बेस शिफ्ट कर दिया है। एक काम करता हूँ यार, इसको मैं तोड़ देता हूँ, वैसे भी इसकी जरूरत है नहीं, वहीं ले जाके रखूंगा इसको। हाँ डन। तो गाइस यार, साकुराजीमा आइलैंड में मैंने अपना घर बना लिया है। मतलब ज़्यादा तो बड़ा नहीं बनाया, पर काफ़ी क्यूट सा दिख रहा है। हमने मतलब चीज़ों का यूज़ किया है, जो ग्लासेस वगैरह आ चुके हैं ना, उन सब का यूज़ किया है। तो चलो एक बार देख ही लो तुम कैसा है मेरा साकुराजीमा का घर। तो ये मेरा घर है, अपन डायरेक्ट वहीं ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी तो मतलब पूरा तो नहीं बना है, जितना बन गया है पर उतना भी काफ़ी बन गया है। देखो देखो गाइस, ये जो दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी बने हुए थे तो मैंने इन्हें इंक्लूड कर लिया अपने घर में। क्या ही दिक्कत है भाई, बने फालतू वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ अपनी खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। ये यहाँ नीचे सो रही है, पर इसका ये मतलब नहीं मैंने बेड नहीं दिए, वो पीछे ना पूरे बेड हैं। और ये मेरा घर है, देख रहे हो गाइस, ये क्यूट सा अपना घर है। तो एक बार ऊपर चलते हैं। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर ना मैं पूरे अपने चेस्ट वगैरह रखूँगा, ये सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें ना मैंने मैनेज कर रखी है। तो एक बार भर देते हैं अपन ये सब। डन डन, ओके ठीक है, ये मैंने सामान भर दिया। जो ऊपर वाली जगह है ना, वो मेरा खुद का पेंट हाउस है। ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये अपना पेंट हाउस है। यहाँ अपन सो सकते हैं बढ़िया। ये देखो ताज का भाई, क्या शानदार दिख रहा है ना, बहुत प्यारा दिख रहा है। देखो वहाँ से वो भी दिख रहा है टावर, जहाँ मैंने पिछली फाइट की थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी फाइट थी। नहीं देखा तो एपिसोड तुम्हें मिल जाएगा नीचे एक डिस्क्रिप्शन में, भाई चेकआउट करना भाई, बहुत तगड़ी फाइट थी। उसको हराने में मेरी ना पूरी ताकत लग गई थी। तो ये देखो, ये मेरा पियानो है, कभी कभी मैं बजा लेता हूँ, लाइक सूरज वूरज उगता है ना। और ये पूरा सोफा सेट लगा है अपना। यहाँ मैं अपनी तैयारी करता हूँ कि कैसे किस बॉस को मारना है। और ये मेरा बेड है, जिसमें आराम से सो जाता हूँ और सुबह कर देता हूँ। ये देखो भाई, ये मेरा दूसरा गेट है। अगर यहाँ से व्यू करना है तो यहाँ भी सोच रहा हूँ मैं कुर्सी उर्सी लगाऊँ, देखो, क्योंकि व्यू देखो गाइस तुम लोग, है ना ऑसम, है ना, इस साइड का व्यू है, ठीक है। और ये देखो, इधर भी लगा सकता हूँ मैं। ये देखो भाई, व्यू टावर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, इधर तो बेस्ट व्यू है, क्योंकि देख रहे हो ट्री दिखती यार, कितनी शानदार, ये देख लो। हाँ, और ये अपना घर है। ये देखो, यहाँ सब काम करने लगे हैं सुबह सुबह। ये देखो, यहाँ पर पूरी खेती होती है, सारी टाइप की खेती होती है यहाँ पर। और ये जो दिख रहे हैं ना पीछे की साइड, यहाँ अपन ने बेड लगाए हुए हैं। ये देखो, यहाँ नहाने धोने का इनका, और ये बेड लगे हैं। और ये देखो, यहाँ तक बेड लगे हैं, बड़े वाले कम से कम 6 बेड होंगे, 1 2 3 4 5 6, बाकी छोटे बेड्स हैं। कभी कोई बड़े पे सो जाता है, कोई छोटे पे सो जाता है, ठीक है। ये पूरे बेड्स लगे हुए हैं। और एक मिनट मैं देख लूँ ज़रा, 11 बेड है। और साथ ही पैल्स को मैंने बाहर निकाला है भाई, कितने अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, देखो टमाटर के। और ये देखो भाई, गेहूं भी बहुत सही दिख रहे हैं, बिल्कुल गेहूं जैसे। तो ये देखो, ये तो बढ़िया कर रही है अपना काम। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मेरे पास प्रिमिटिव वर्क बेंच भी है। मैंने अभी तक अपना स्टॉव नहीं बनाया, गैस नहीं बनाई है, वो और बना देता हूँ मैं। लाइक खाना कैसे बनेगा फिर, फूड बनाने के लिए, ये ना, इसके लिए रिफाइन इनग्रेड चाहिए यार। यहाँ भी मुझे बनाने पड़ेंगी चीज़ें। अभी एक काम करता हूँ, कुकिंग पॉट बना देता हूँ इधर ही, क्योंकि फ्रिज में ही रखेंगे ना अपन। लेट्स गो, अब यहाँ कुछ बनाने भी रख देते हैं, ये लेटूस। तो यार मेरे को यहाँ पर खाना बनाने के लिए एक किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, फायर वाले को, मैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये फायर सेलेक्ट किया है ना मैंने, इसमें से शॉर्ट करता हूँ। किसको छोड़ूँ, मेरे को लेवल 3 वाले को छोड़ना है। ओ भाई, लेवल 3 ये कितना देता है, लेवल 2 के, ये नहीं चाहिए हमें। इधर रैगनॉक है, रैगनॉक लेवल 3 देती है, इसमें से किसको छोड़ूँ मैं, कोई है क्या, मतलब वर्कोहलिक, ये मोटिवेशनल लीडर है, वैनगार्ड है, वर्कोहलिक कोई नहीं है क्या, वर्कोहलिक कोई है ही नहीं। ये थोड़ी सी नहीं यार, ये कितना देती है, लेवल 2 ठीक है। एल्पसी कितना देता है, लेवल 1 डन, ओके। और बुशी को अपने पास रख लेते हैं, ये शाइनी बुशी नहीं है यार, शाइनी बुशी भी है गाइस मेरे पास एक, जो तुमने देखा होगा यार, इसको भी मैंने अच्छी खासी पावर दे रखी है, पर मेरे पास एक शाइनी बुशी भी है, पता नहीं कहाँ है। ये देखो, ये भी है मेरे पास, इसको रख लेते हैं, कार्टून नेटवर्क सही लगता है ये। ये मेरा पहला बेस है साकुराजीमा आइलैंड का, ठीक है, जहाँ मैं रहूँगा, ओके। पीछे तुमने देख ही लिया भाई, ये देखो मैंने लाइट्स वाइट्स भी बेहतरीन लगा रखी हैं, और सब जगह ना ये पेड़ पौधे टाइप के लगा दिए अपन ने, तो भाई और ज़्यादा सही लग रहा है। और देखो भाई, पूरा ये माहौल है, मतलब माहौल ये अपना ही घूम रहा है ना। क्या चाहिए भाई, किस क्या क्या, तुझे भी ब्रीडिंग करनी है क्या,
हाँ गईज, मैंने ब्रीडिंग के लिए तो, मैं ब्रीडिंग बोला हूँ, मैंने रेंच के लिए तो छोड़ी नहीं है लोगों को। यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ फार्मिंग सेलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो देखो दूसरा बेस मैं दिखाता हूँ, दूसरा बेस अपना वही वाला है जहाँ पर मैंने ऑयल रिफाइनरी लगाई थी, पर वहाँ पर मैं और भी चीज़ें लगा चुका हूँ जो तुम्हें अब दिखेंगी। लेट्स गो टू द सेकेंड बेस। ये देखो गाइज, ये अपना पूरा प्रोडक्शन वाला बेस रहेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें बनेंगी। बस देख रहे हो, ऑयल बनी रहा है अपना, ठीक है। और तीनों असेंबली लाइन मैंने यहाँ लगा दी है, अभी बना नहीं है क्योंकि मैंने निकाल के रख लिया था। ये देखो यहाँ पर रखा होगा कितना सारा ऑयल, दिख रहा है 243 ऑयल बन चुका है अपना। और मेरे को काफ़ी चीज़ें बनानी भी है अभी, वो भी देख लेता हूँ मैं क्या क्या बना सकता था। एक बार देखूँ ज़रा, यहाँ पर वो फ्लेम थ्रोअर बना सकता हूँ मैं, पहले मेरे को प्लास्टील बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। और ये क्रूड ऑयल से ये बनेंगे, ये बनाएंगे यार गाइस, फ्लेम थ्रोअर तो बनाएंगे ऐसे कैसे। और प्लास्टील नहीं बना सकता हूँ क्या, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ओर चाहिए। मेरे पास बहुत ओर है और बहुत पैलियम फ्रेगमेंट है। रुको गाइस, मैं लेके आता हूँ मेरे घर से और यहीं ला के पटक देता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे सामान बनने वाले हैं अपने। और आज एक नई जगह भी जाने वाला हूँ यार, मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ भर देते हैं, क्योंकि यहाँ अपन को बनाना है फ्लेम थ्रोअर। देखेंगे तो यार फ्लेम थ्रोअर होता कैसा है। अरे बनाने के लिए रख देते हैं 56, क्योंकि ये बहुत आराम से बनेंगे। यहाँ मैंने अच्छे अच्छे देख रहे हो तगड़े तगड़े पैल्स को छोड़ के रखा है यहाँ मैंने। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, ये और जगह जरूर अभी नया बनाया था मैंने ब्रीड करके, तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं अब नई जगह पे। मैं पिछली बार यार यहाँ गया था अजूरों पे होता है ना जहाँ, वहाँ मुझे कुछ नए पैल दिखे थे यार लाइव पे जो अपन खेल रहे थे ना तब। तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ, एक आध मेटेराइट गिर जाए तो मज़ा आ जाएगा। मेरे को पता ही नहीं था ऐसे भी पैल हैं, तो यहाँ पर मेरे को घूम के देखना पड़ेगा। अरे मेरे सामने स्पॉन हो रहे हो तुम लोग, शर्म है कि नहीं। अरे नहीं मत मार यार, उसके मार दे बस, वो भी नहीं मार पाया, छोड़। ठीक है यहाँ पर ना यार नए पैल दिखे थे मेरे को, पता नहीं कहाँ। बाकी मेरे को जॉटॉक चाहिए, जॉटॉक बोलो मिमॉक चाहिए गाइस। तो मिमॉक ना ये पानी के पास ही रहता है, और एक मिमॉक मुझे लाइव में दिखा था, और आज तो मैं भाई पकड़ के रहूँगा एक मिमॉक। वो रहा, मिल गया, क्या लंबी उम्र है भाई मिमॉक की। अच्छा बेटा आज तो तू गया, पहले तो मैं स्पीयर देख लूँ। हाँ है, अपन रख लेते हैं, लेजेंड्री वाली रखेंगे गाइस, है ना लेजेंड्री है ना। हाँ और यहाँ करते हैं बाज़ूका, रिंग लगा रखी है ना मैंने। आज तो गया, आज तो मैं इसे पकड़ के ही रहूँगा गाइस, आज कुछ नहीं हो सकता। आज ये गया, आज तो तू आएगा, कहाँ गया। अबे नहीं आज ही नहीं हो सकता गाइस। अबे मैंने जेट ड्रैगन को छोड़ दिया, आज हमने मिमॉक पकड़ लिया है। और मेरे को अब पता करना पड़ेगा, देयर इज वन अ ट्रेडिशन ऑफ एंडिंग आउट एन अवार्ड टू अ पर्सन हु मेट देयर नी एंड ऑफ मोस्ट फुलिश वेस। पूरा पढ़ ही नहीं पाया मैं, पर मेरे को कुछ मिल गया भाई एक्सेल, मेरे को मतलब मारने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ पर हाँ मैं बुचर कर दूंगा, क्योंकि है ना इसको बना के ये एक्सेल वाले ट्रेनिंग मैनुअल मिलते हैं मेरे, मतलब इसको देखो कितनी जल्दी बढ़ता है इससे। तो अगर जैसे है ना ये मेरे को मिलेंगे ना बहुत सारे, तो मैं अपने जो जेड ड्रैगन की सेना, जेड ड्रैगन नहीं जर्मन टाइप की सेना बना रहा हूँ ना, उन सबको मैं बहुत तगड़ा कर सकता हूँ उससे। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं, और भी होने चाहिए यहाँ मिमॉक। पहली बार मैंने मिमॉक को पकड़ा है, लिटरली बहुत परेशान कर दिया इस चिलकोजे ने। मिमॉक के साथ किसी और की ब्रीडिंग कराऊँ क्या, मेरे को कमेंट करके बताओ यार किसकी ब्रीडिंग देखना चाहोगे तुम। तो भाई घूमते घूमते मैंने इसको मार दिया, पर पता नहीं क्यों गाना बंद ही नहीं हो रहा है यार मेरा, भाई अलग ही सीन हो रखा है। और मेरी एक भाई ये क्या क्या दिक्कत है इसकी, तो मेरे को भाई ये गेम बहुत खत्म हो चुका है अब। मेरे को रीस्टार्ट मारना पड़ रहा है लिटरली गेम, गेम का गाना ही बंद नहीं हो रहा है। पता नहीं मैंने स्टिंग के बॉस को मार भी दिया फिर भी, कब से ढूंढ रहा हूँ क्या बर्बाद। सीरियसली मेरे को मजा नहीं आया सच बताऊं तो ये अपडेट में गाइस, मतलब जितना लग रहा था ना उतना कंटेंट नहीं है यार। इतने टाइम बाद आप इतना कंटेंट दे रहे हो, तो ऐसा तो दो कि लोग चला पाए दो दो तीन तीन महीने वो कंटेंट। यहाँ तो सब खत्म ही हो गया है, अब तो बस रियो ही बचा है जिसको, जिसके लिए जर्मन टाइट की सेना बनाते रहो बस। भाई क्या मजे, कुछ है ही नहीं यार फिर तो। तुम लोग बताओ यार गाइस तुम्हें कैसा लगा ये अपडेट साकुरा जीमा, मतलब बहुत छोटा सा अपडेट है यार ये, तो एक पैच नोट की तरह अपडेट हो गया। ओके भाई एट लास्ट मुझे डंजन मिला। इस डंजन में आ गए हम, और पिछली बार हमको उतरना था सीढ़ियाँ, इस बार हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। ओके दैट्स क्वाइट कूल, एक काम करते हैं अपने डोगन को साथ में लेके चलते हैं, ये उड़ता रहेगा ना बाजू में। ओ और
गाइस आवाजें सुनाई दे रही हैं तुम्हें? हवा हवा पास हो रही है वाली आवाजें। ओह क्रेजी, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी अच्छा भी लगता है। ओके, यहाँ पर चार रास्ते हैं जाने के लिए। अबे तू साले, तेरे पैर है नहीं, फुटस्टेप्स कैसे आ रही है तेरी? तो चार रास्ते गाइस। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, राइट चलता हूँ। हर बार आऊंगा ना वापस तो राइट जाऊंगा। एड्रेस है ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ एक फूल है, इसका यूज अभी तक मुझे नहीं पता है। मेरे को इसके लिए शायद मेडिकल कुछ बनाना पड़ेगा, मेडिकल टेबल बनानी पड़ेगी ना, वर्क बेंच मेडिकल वाली। उसके बाद उसका यूज पता चल जाएगा। बाकी ठीक है यार, अब मेरे को सारे पैल पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि रिंग ऑफ मर्सी जो लगा रखी है मैंने, इसने हमारे पैल को मारा है। गया। दूसरे पैल को इसको यूज करके देखिए जरा, शूस्टर क्या करता है। ओ भाई ये पावर तो मस्त है, पूरे खतरनाक। नाइस यार, ये पावर तो पता ही नहीं थी मेरे को। ओके, सामने केटर सिग्नेस है, लेट्स गो सूस्टर, जो भी करना है करो इसको। ठीक है, जरा पावर सूस्टर की, वही पावर। अबे उसमें मारना है भाई, कहाँ मार रहे है? सीरियसली मार दिया, मार दिया वहां पर। कुछ कर नहीं पा रहा है यार, पिट रहा है पता है, मतलब कोशिश तो कर रहा है पर। ठीक है आ जाओ भाई, इसको निकाल के देखते हैं ये क्या करती है। इसकी एक नई पावर अनलॉक हुई है गाइस अभी जस्ट, ये देखो। ओके, ऑस्ट्रेलियन वाली पावर अनलॉक हुई है इसकी तो, खतरनाक। नाइस, चलो यहाँ से निकलते हैं। मेरे को लुनेरिस भी बहुत सही लगती है यार देखने में भाई। डंजन तो इन लोगों ने बहुत सुंदर बनाया गाइस, बहुत सुंदर। डंजन पे नो डाउट भाई, डंजन 10/10 दूंगा मैं। ओके, आ गए अपन। ये अलग टाइप की केव है, यही बेटर है। देखे जरा ये देखो, स्पाइक बहुत पावर है इस स्पाइक की। ठीक है, यहाँ पर और कुछ है क्या? या मैंने कवर कर लिया है जगह, हो गई गाइस, इतना ही था बस। ठीक है गाइस, ये रास्ता है जहाँ पर मेरे को लगता है बॉस मिलता है। यहाँ से चलते हैं, एक रास्ता कवर नहीं कर पाया पर ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बॉस है, नॉक्ट है क्या बॉस? एक मिनट, ये बॉस नहीं है, ये बॉस वाला एरिया नहीं है भाई। कितना सही लग रहा है यार ये पेड़, बहुत ही सही यार। मैं रियल लाइफ में जाना चाहता हूँ ऐसे पेड़ों के पास। लेट्स गो गाइस, हम लोग बॉस के पास पहुंच ही गए। और आई डोंट नो बॉस कौन होने वाला है, काश शूस्टर का बॉस मिल जाए या फिर क्रॉन जीरो का बॉस मिला है, व्हाट द हेल। ठीक है यार, इसको भी यूज कर। नहीं यार मैं पीछे जाता हूँ, क्या पता मेरा बॉस चेंज हो जाए। देखते हैं एक बार चेक करते हैं गाइस, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं यार उसकी। पैसे जो मैं यूज कर सकता हूँ, एबिलिटी पता क्या है, मैं उस पर खड़े होकर उचक सकता हूँ। क्या मतलब उस चीज का बताओ, क्या मतलब उस चीज का, जब मैं खुद उड़ सकता हूँ यार। मेरे पास जेट ड्रैगन है, मेरे को जंप करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ग्रैपलिंग केबल है। मतलब क्यों क्यों दिया आपने वो एबिलिटी उसको? ओके, अब देखते हैं, आई होप बॉस चेंज हो गया हो। विक्सन नॉक्ट फिर भी चल सकती है पर नहीं, एक बार और चेंज करेंगे। मैं चाह रहा हूँ मतलब जो नए पैल जाए ना उनमें से मिल जाए। वैसे विक्सन नॉक्ट तो नई है ना, पहले नहीं थी विक्सन नॉक्ट। ट्राई करके देखते हैं फिर भी एक बार और, देखते हैं अब कौन आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ ना लाइक कुत्ते वाला मिल जाएगा ना तो भी चलेगा मेरे को, वो भी बढ़िया सा दिखता है यार। उसका मैं सैडल बना लूंगा, या फिर वो चिड़िया वाला बॉस मिल जाए। लेट्स सी अब कौन है, बुशी नॉक्ट? नहीं यार बुशी की मेरे पास भाई, सीरियसली। ओके, युकुमो। ओके गाइस, युकुमो को पकड़ सकता है। अबे ये बॉस को ही मार रहा हूं क्या मैं, इतना गंदा। ये इतना छोटा बॉस है? ओ, नहीं 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 नहीं, नहीं।
अबे कितनी मारेंगे भाई, रुक जाओ भाई, क्या मारा है? What the fuck man? ओहो, लेवल निकालेंगे, लेवल चप के निकलेंगे ब्रो। अरे ओके, मैं भूल गया था मेरे पास यही वाली स्किन है। अब मैं इसे मारूंगा तो मर ना जाए यार, थोड़ा तो मार देता हूँ पर इसको तो खत्म कर ही दूं, फिर सिर्फ हम ले जाएंगे बॉस और वो। हेलो ब्रो, कहाँ है ये? ओके बोरा। अरे नहीं 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 नहीं, ये रहा ये रहा। अबे सीरियसली, व्हाट द फक मैन, पकड़ में आ जा, मर जाएगा यार ये, मुझसे मर जाएगा मुझे लग रहा है। अब तो आ जाएगा, अब नहीं मार सकते इसको, 46 पे पहुंचा दिया मैंने, अब तो आ गया, हो गया। नहीं तू नहीं, ठीक है गाइस, ये बॉस अपन ने पकड़ लिया है, यहाँ से ऊपर निकलते हैं अपन, लेट्स गो। लक 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 लक, ओके गाइस, तो यहाँ पर अपन ने बॉस तो पकड़ लिया, ये बॉस ठीक था यार, मैं पकड़ सकता था ना इसको, इसलिए मैंने पकड़ लिया। ठीक है, लेदर मिल गया यहाँ पर, और कुछ सामान भी मिलना चाहिए यार, यहाँ के डंजन बनाए तो सुंदर है पर ज़्यादा सामान नहीं मिलते हैं यार इधर। ठीक है, यहाँ देखते हैं इन्वेंट्री फुल, बताओ छी, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ ये भी हटा दो। अब बताओ क्या क्या दे रहे हो, बेलनॉल लिब्रो स्लैब, व्हाट द फक मैन, इतनी सारी बेलनॉल लिब्रो है मेरे पास, तुम सोच भी नहीं सकते। और एक और है ना, एक मिनट, कुछ और मैं उठाया नहीं है और फालतू चीज़ें ज़्यादा उठा लिया, एक मिनट, ये हटाओ। फ्लेम थ्रोअर मेरे पास है भाई, हटाओ। बेलन और लिब्रो का स्लैब नहीं चाहिए यार, अब नहीं पकड़ना मेरे को बेलन और लिब्रो, पागल हो गया हूँ मैं पकड़ पकड़ के। इधर से एक लेज़र बीम है और एक रियर नाइट बॉल है, ये रख लेता हूँ यार, तो ये फालतू होंगे ना छोटे वाले, उन्हें हटा दूंगा मैं। तो यहाँ पर और क्या है, ये है, लेदर हटा दो, शायद वैद रख लेते हैं क्योंकि केक बनाने के काम में आएगी, और देखते हैं एंशिएंट रख लेते हैं, ये मेरे पास बहुत हो गए वैसे भी, इनगेट और डायमंड भाई ये तो रखना है, मैं भी ना। इधर से ब्लेजमोथ रियो का मिल गया गाइस, एक और मिल गया, एक स्लैब और चाहिए, उसके बाद मैं रियो को बुला सकता हूँ। ये देखो एक मिल गया मेरे को, शॉट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और कुछ नहीं है क्या यार? देख रहे हो कटाना रखी है गाइस, कटाना रखी है गाइस, एल्डन रिंग में हमारे पास कटाना ही है, कटाना। ठीक है, लेट्स गो आउट ऑफ हियर गाइस। यार तुम लोग बताओ यार, यहाँ पर अब इन लोगों ने अपडेट, ये क्या है भाई, ये अंडे मैं ही फेंक के गया हूँ पक्का यहाँ, इसलिए ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मेरे को नए पहल नहीं मिल रहे, मिटियोराइट भी तो नहीं गिर रहा यार, वो मिटियोराइट वाला पहल अभी तक मेरे को नहीं मिला है, जेनोगार्ड यही नाम है ना उसका, जेनोगार्ड, वो अभी तक नहीं मिला है मुझे। पर आज मेरे को दो मेमोक मिल गए, तो मैं चेक करने वाला हूँ मेमोक की एबिलिटीज़ क्या हैं, लाइक मैं उसको साथ में रखता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या मतलब फ़ायदा मुझे मिलेगा। चलो हमारा घर देखो दूर से ही दिखने लगा है अब तो, पेड़ों के ऊपर से भाई घर ही था, औसम बना रखा है क्यूट सा, लेट्स गो। ये आ गए हम घर पे, अरे लेट्स गो। ठीक है, एक रेंच यहाँ पर है, एक रेंच वहाँ पर है, सारे वहीं लगे हुए हैं, ये रेंच तो फालतू ही पड़ी हुई है, पर देखें जरा और बना सकते हैं क्या हम। ये इन लोगों के लिए खाना रख देता हूँ पहले, मैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेट्स गो। इन लोगों ने तो भर दिया, ये स्टोन्स मेरे को मिल गए, अभी जल्दी से इनके लिए एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर मैं, और इसमें ये डालते रहेंगे फिर सामान अपना। तो यहाँ पर बना देते हैं एक बॉक्स, इधर से ही बना सकता हूँ क्या, ये लो इसमें रखो गाइस तुम लोग अपना सामान। ठीक है, और मेरे को रिपेयर करना है अपना ये देखो गाइस, शील्ड टूट चुकी है पूरी। अच्छा, ये रिपेयर करनी थी मेन, पॉलीमर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तो मेरे पास। ठीक है, अभी तो मेरे पास काफ़ी है वैसे, बची हुई है तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर हमने रिपेयर कर ली अपनी शील्ड आखिरकार। और इसी के साथ भाई आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं, मिमोक पकड़ा है पहले एक बार, मिमोक और देख ले गाइस अपन मिमोक की पावर्स क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका यूज़ देखेंगे, ये रहा मिमोक अपना, लेट्स गो। देखो, व्हेन नियर अ ट्रेजर चेस्ट
मेमो कैन ओपन द चेस्ट विदाउट यूजिंग अ की. ओ द टाइप ऑफ ट्रेजर चेस्ट दैट कैन बी ओपन डिपेंड्स ऑन द स्किल टियर. नाइस गाइस, लो है इसमें और इसका अटैक वटैक भी है कुछ, पता नहीं क्या अटैक करता होगा, गैदरिंग करता है ये. ठीक है, पॉजिटिव थिंकर, बस यही है गाइस इसका. मेरे को लग रहा था ये ठीक है यार, ये चेस्ट खुलता है बस और कुछ नहीं है. दो मेमो पकड़े ना, एक ये पकड़ा है अपन ने, ये मेल है और दूसरा देखते हैं फीमेल होगा तो ही कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. ये कौन सा टाइप है, न्यूट्रल ना, तो एक काम करते हैं न्यूट्रल इकट्ठा ये रहा. क्या अब देखते हैं मेमोक होगा ना इधर, कहाँ गए न्यूट्रल, यही थे क्या बस, मेमोक नहीं दिख रहा तुम्हें, ये रहे. आ, मेल फीमेल गाइस, मेल फीमेल. ओ इसकी पावर तो देखो, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी ज़्यादा है. मेमो आ गया कुत्ते जैसे चिल्लाता है भाई, इसको भी छोड़ देंगे अपन, पर क्या ही करेगा ये, एक एक की गैदरिंग करता है भाई, कोई मतलब नहीं है इसका. ठीक है, पकड़ तो लिया ही है हमने, बाद में इसको ब्रीडिंग करके ना इसको मारेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो यार आज का एपिसोड इस सुंदर से वर्ल्ड में करते हैं आज का एपिसोड यहीं ख़त्म. ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रियू के लिए भाई, बस मेरे को डंजन्स घूमने और इकट्ठे करने उसके फ्रैगमेंट्स, उसके बाद हम उसको खोलेंगे और फिर करेंगे फाइट अपने जर्मन डाइट के साथ. तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना. मिलते हैं डायरेक्ट अगले एपिसोड में. बाय बाय.